तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि जो बाहर से लोग आ जाते हैं उनका क्या थ्रेट हो सकता है बाकी लोगों के लिए, कैसे हो सकता है, और उनकी उनकी आइसोलेशन के बारे में बात करेंगे कि आइसोलेशन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है सभी जगहों पे, इससे क्या हम कोविड-19 को रोक पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए पहले ये जो चीज़ है वायरल ग्रोथ करो इसको समझना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि इक्लिप्स है इसमें एक स्टेज, यही एक्चुअली बड़ा फैक्टर है इन सब चीज़ों के बारे में कि ये वायरस इतना ज़्यादा सभी मुल्कों में जा रहा है। तो इसके पीछे इक्लिप्स जो एक स्टेज है ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। देखिए पहले इनोकुलेशन आ जाती है, इसमें क्या है कि वायरस जो है होस्ट पे इनोकुलेट हो जाता है, तो इसीलिए जो हम कहते हैं कि घरों में रहो या कुछ भी अभी लॉकडाउन जो हो रहा है सभी जगहों पे, ये इसीलिए है क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेज इक्लिप्स स्टेज होता है। तो पहले ही इनोकुलेशन को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सभी मुल्कों ने ले लिया है, तो ये बड़ी एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। तो दूसरा है इक्लिप्स। इक्लिप्स में क्या होता है कि और इसका जो ये ग्रोथ क्रो में ये मतलब एक लीनियर लाइन में जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है और ये कैसे मतलब बाकी लोगों के लिए थ्रेट बन सकता है उन लोगों से जो बाहर से आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है कि इनोकुलेशन में वायरस पहले ही सेल पे आ रहा है, सेल पे आ रहा है तो एंडोसाइटोसिस की वजह से ये अंदर आ जाएगा, ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है जिससे ये अंदर आ जाता है। तो उसके बाद इक्लिप्स स्टेज जो है इसमें क्या होता है कि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है ये बाहर आ जाता है, तो इसके लिए पहली चीज़ ये है कि जो वायरस के आउटसाइड कवरिंग्स होती है लाइक इनवलप होता है, ये कैप्साइड होता है जो कैप्सोमर से बना हुआ होता है, तो ये सारी सभी चीज़ें डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब कैप्सिड डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू कैप्सोमर्स, और इनवलप जो है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाता है, और यहाँ पे ये सारी इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वायरस का ये अंदर आ जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एक्लिप्स स्टेज इन्फेक्ट तो नहीं हो सकता, इसमें जो एक विक्टिम होगा जो एक होस्ट होगा वायरस का, अगर वो इन्फेक्टेड है इस वायरस से तो वहाँ से तो इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट नहीं होगा, तो शायद सिम्टम्स भी नहीं होंगे। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी अगर टेस्टिंग की जाए तो जब तक उनकी एक परमानेंट सेरोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं की जाएगी तब तक उनको एयरपोर्ट से ही रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सीरोलॉजिकल रिएक्शन से ही आपको पता चलेगा कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि एक्लिप्स स्टेज में जो वर्मिया है वो तो नहीं होगा, वर्मिया मतलब कि जो ब्लड में वायरल पार्टिकल्स है वो तो होंगे ही नहीं, तो फिर अगर आप सिम्टम्स भी नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि एक बंदा जो है इसके वायरस है या नहीं है। तो बाहर से लोग आएंगे वो बोलेंगे हम तो ठीक है, तो कोरोना वायरस के केस में तो कहते हैं कि इसका जो पीरियड है वो 14 डेज है, तो 14 डेज के बाद ऐसा पता चल सकता है कि इसके अंदर वायरस आ गया, क्योंकि सिम्टम शो होंगे तब तक इक्लिप्स स्टेज जो है अपना काम करेगा, तो इसलिए आइसोलेशन ज़रूरी है कि उसके बाद ही पता चलेगा, और पहले ही भी पता चल सकता है अगर एक सीरोलॉजिकल ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेंगे उसकी एक रिएक्शन करेंगे टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ से भी पता चल सकता है, तो एवरेबली रिलीज भी कर सकते हैं। तो अब अगर ऐसा इन्फेक्टिव केस एक विलेज में आ गया है, एक सोसाइटी में आ गया है, तो फिर जब वो सिम्टम्स दिखाएगा तो एरोसॉल्स की इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल्स वायरस बाहर आ जाएगा, तो वो सभी लोगों को जो है इन्फेक्ट कर सकता है, जितने भी लोगों के साथ वो पर्सन जो है कांटेक्ट में आ जाएगा वो सभी फिर इन्फेक्ट हो सकते हैं सभी चीज़ों से। और फिर आता है वर्स्ट स्टेज जहाँ पे सेल रिलीज हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पे कि सेल्स जो है एग्जोसाइटोसिस से बाहर आ जाती है, एग्जोसाइटोसिस से बाहर आ जाती है, तो फिर बर्स्ट साइज़ है कि कितने वायरल पार्टिकल जो एक सेल से बाहर आए वो एक डिफरेंट चीज़ है, और ये एक्चुअली इस प्रोसेस में भी डिफरेंट फेजेस है लाइक डिफरेंट साइकिल्स है, लाइक लिटिक साइकिल है हमारे पास लाइसोजेनिक है, या फिर वो प्रो वायरस बनता है लैम्बडा बन जाता है, तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट है, यहाँ पे उन सब के बारे में बात नहीं करनी हमने यहाँ पे, तो ये देखना है कि बाहर से बंदा आया उसको आइसोलेशन में रहना ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो जो ये स्टेप लिया गया है कि कर्फ्यू को जो इम्पोज किया गया है हर जगह, ये एक बहुत ही स्टेप है, और इसका जो मतलब है वो ये है कि हम पहले स्टेज पे इसको रोकें, इनोकुलम पे ही हम इसको रोकें, इनोकुलेशन पे ही हम इसको जो है रोकें। तो
तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे क्या होगा कि ग्रोथ करो जो है आगे नहीं जाएगी, तो इससे खतरा सिर्फ हमको नहीं है। अगर हम बाहर जाएंगे या कहीं पे इन कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो ये खतरा सिर्फ हमको नहीं है, फिर हमारी फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी, विलेज, फिर ये बात जो है बहुत आगे जा सकती है। तो बेहतर है कि हम वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 21 डेज कहा गया है, तो ये बहुत मतलब मैक्सिमम पीरियड है ये। अगर फॉलो करेंगे तो ये इसके बाद जो है थ्रेट बिल्कुल ही जो है एलिमिनेट हो सकता है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वायरल पेशेंट है जो रिकवर हुआ है, जो वायरल इन्फेक्शन से रिकवर हुआ है, तो क्या वो बिल्कुल सेफ है? क्या उसका जो वायरस था वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ है? तो चलिए इसके इसके बारे में बात करने के लिए हम सिंपल एक डायग्राम ले लेंगे समझाने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि अभी जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं सबके लिए ये जानकारी ज़रूरी है। तो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन सिंपल डायग्राम है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक CD4 T सेल है, जो कि टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स सेक्रेट करते हैं, लाइक CD4 एंड CD8 फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, वो एक अलग हिस्ट्री है। तो सिंपली एग्ज्यूम डेट CD4 सेल है जो इन्फेक्ट हुई है। तो एज यूजल क्या होगा कि ये वायरस जो है अपनी जो इसकी डॉग्मा प्रोसेस होंगी, रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, mRNA बनाएगा, तो डिफरेंट कैप्सोमर्स या जो भी है बना लेगा। वो कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री अलग है, उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। सिंपली जो प्रिकॉशंस या जो नॉलेज हमें इस टाइम होनी चाहिए, सभी के पास है जो भी हो, तो उसके लिए हमें सिंपली ये चीज़ें समझनी चाहिए। सो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि ये जो इसका जो mRNA बनेगा, जो भी चीज़ें हैं इसको वायरस को चाहिए होंगी वो बनेंगी, तो एक्सोसाइटस की वजह से जो है वायरस बाहर आ जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है लेटेंसी। लेटेंसी में क्या होगा कि ये जो वायरस, यहाँ पे वायरस का जीनोम आप देख रहे हो, यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है, रिप्लिकेशन कर रहा है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है कि फुली इंटीग्रेट होगा ये। इसलिए ये मतलब इस स्टेज में क्या होता है कि ये छुप जाता है, मतलब जो इंसान का इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम इसको कभी भी ट्रेस ही नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में ट्रेस नहीं कर पाएगा, इसको देख नहीं पाएगा, इसको एक हिडन स्टेज में हमारे अपने जो जीनोम है उसमें छुपा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जब इम्यून सेल्स इसको देख ही नहीं पाएंगे, तो वो सेल एपोप्टोसिस नहीं कर पाएंगे, वो प्रोग्राम सेल डेथ नहीं कर पाएंगे। तो ना सेल मर जाएगी, ना ये वायरस मर जाएगा। ये वहीं पे है, सेल अपना काम कर रहा है, लेकिन ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो फिर आगे कभी भी, चाहे मतलब 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल के बाद, साल 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये अगर एक्टिवेट हो गया, जैसे कि मोस्टली होता है, तो ये फिर से अपनी प्रोसेस शुरू करेगा, फिर से जो जो है अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसको वायरस चाहिए होती है वो बना लेगा। तो फिर से ये एक्सोसाइटस से ये जो वायरस है वो बाहर आ जाएगा, तो ये फिर से सिम्टम्स दिखाएगा, फिर से वायरल इन्फेक्शन होगा, फिर से वो ट्रांसमिट होगा। तो अगर COVID-19 जो हमारे पास अभी जो जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट होगा जो रिकवर हुआ है अच्छे से, मतलब है, तो अगर उस पर एक जो है एक आई रखनी चाहिए कि उसको देख रहे, हमेशा देखभाल में रखना चाहिए कि अगर कभी भी उसमें वो इसने वो फिर से वो सिम्टम्स दिखाए, तो उसको एक प्रॉपर वे में, एक मास्क लगा के या कुछ भी, एक प्रॉपर वे में डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि वो पेशेंट की हिस्ट्री चेक करते हैं। जैसे ही वो पेशेंट की हिस्ट्री चेक करेगा, उनको पता चलेगा कि भाई ये जो है कोरोना का पेशेंट था, तो विदाउट एनी ट्रीटमेंट, इससे पहले कि वो कोई ट्रीटमेंट करे, वो उसको आइसोलेट कर जाएंगे। फिर क्या पता कि वो कोरोना वायरस का जो लेटेंस पीरियड था वही रीएक्टिवेट हो गया, या वो कोई नॉर्मल फ्लू होगा, तो वो आइसोलेट करेंगे इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो COVID-19 का जो जो ये अभी लेटेंसी पीरियड है ये होगा, मतलब ऑलमोस्ट ये होगा, क्योंकि अभी तक वायरसेस जो है उनमें ये लेटेंसी है। तो इस पर भी रिसर्च जारी है, इसकी मतलब जो कोरोना वायरस है इसके जीनोम पे रिसर्च जारी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है अभी तक। तो अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज रखनी चाहिए कि ऐसा कोरोना वायरस के केस में अभी ये लेटेंसी हो सकती है, जैसे कि बाकी वायरस के केस में है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं वायरस की जो ट्रीटमेंट होती है उसकी, बात करते हैं कि ड्रग्स अवेलेबल क्यों नहीं है, कीमोथेरेपी क्यों नहीं है वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है हमेशा होस्ट पे ही डिपेंड करता है, इसका अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, या इसकी जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी डाइवर्सिटी जो सेल्स में होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा नई म्यूटेशन इस वायरल वायरस में आ जाती है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बेसिस हमने DNA में होती है, जो हमने लिए है यहाँ पे, थाइमिन होता है, एडनिन होता है, गाइनिन होता है, साइटोसिन होता है। तो इनकी जो पेयरिंग होती है, थाइमिन जो नॉर्मल पेयरिंग एक्चुअली होती है, इसके लिए भी एक रूल है। तो जो नॉर्मल पेयरिंग है, थाइमिन करता है एडनिन के साथ, गाइनिन करता है साइटोसिन के साथ। तो यहाँ पे जो नॉर्मल पेयरिंग है,
नॉर्मल पेयरिंग, और ये पेयरिंग में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो इस चीज़ को, जो इस स्ट्रैंड को एक्सटेंशन में मदद करता है। तो यहाँ पे अगर आप नोट्स करोगे, यहाँ पे एडेनिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग कर गया, तो मतलब ये म्यूटेशन है, मतलब कि यहाँ पे ये म्यूटेशन है। लेकिन ये एग्जाम्पल हमने डीएनए स्ट्रैंड के लिए है, समझाने के लिए कि इस, ये जो डीएनए पॉलीमरेज इसका होता है एक्सटेंशन एरर जो ये इसमें आते हैं, इसमें एक एबिलिटी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उस एबिलिटी को हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। मतलब कि इसकी जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, इस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से होता क्या है कि ये जो, ये एबनॉर्मल बेस जो आई है साइटोसिन के सर, ये इसको एग्जैक्टली डायरेक्टली कट ऑफ कर रहा था, मतलब फ्रॉम दिस फॉस्फेट जो बैकबोन होती है इसके, इससे इसको डायरेक्टली जो है कट कर लेता है। तो करता क्या है ये फिर एक स्टेप बैक चला जाता है, मतलब कि इसका जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है उससे जो है पॉलीमरेज बिल्कुल, ये जहाँ के यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ तक पॉलीमरेज आ गया है। अब नेक्स्ट जो गानिन है ये इसकी पेयरिंग करेगा, तो ये इसकी पेयरिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल एक्सोन्यूक्लियस ड्यूटी, इट इज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डॉग्मा प्रोसेस, ये एक स्टेप वापस चला जाता है। और फिर ये जो अपना नॉर्मल इसकी बेस होती है, जैसे कि गानिन, ये गानिन को ले आता है और उसको नॉर्मली बाइंड कर जाता है। जब ये नॉर्मल बाइंडिंग हो जाती है उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है आगे चला जाता है, तो जो एक्सटेंशन होता है वो नॉर्मल होता है। मीन्स कि ये जो म्यूटेशन है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज, इसमें एबिलिटी होती है ड्यू टू इट्स एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कि ये म्यूटेशन को जो है ओवरकम कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर सभी म्यूटेशन जो है वो अवॉइड होती है, जितने भी म्यूटेशन है नहीं होती है, फिर म्यूटेशन फिर भी हो जाती है, ये इम्परफेक्ट है डीएनए पॉलीमरेज, मिस्टेक्स कर जाता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से वो म्यूटेशन ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ म्यूटेशन ऐसी होती है जो रह जाती है, जिनकी वजह से फिर डिफरेंट वेरिएशन आ जाती है। तो अभी हम बात करते हैं कि COVID-19 जो कि मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड इनवलपड वायरस है, उसके बारे में बात करते हैं। जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होते हैं उनमें एक्चुअली क्या होता है कि, और हम वायरस को क्यों मतलब जो है डेड अलाइव क्यों नहीं हम कहते उसको, या उसका ट्रीटमेंट जो हम उसकी बात कर रहे थे तो उसकी ही बात करेंगे। तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है उसके लिए जो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा इसको एक्सटेंशन के लिए, वो आरएनए पॉलीमरेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसका अपना नहीं होता, ये होस्ट सेल का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको यूज़ करते हैं। हम एक्सेप्शन देख लेते हैं वरोला वायरस में, हम जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, उसका अपना पॉलीमरेज एंजाइम है। तो लेकिन इन केस में क्या होता है कि इन केस में आरएनए पॉलीमरेज भी जो है जो वो सेल का यूज़ करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वायरस जो है वो अलाइव ही नहीं है, क्योंकि इसकी रिप्लिकेशन प्रोसेस भी है ये खुद नहीं करता, वो भी जो है सेल ही करती है। तो अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है तो इसको क्या चाहिए होगा कि इसका एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए होगा जिसके साथ ये रिप्लिकेशन करेगा और अपनी जो डॉग्मा प्रोसेस है वो आगे ले जाएगा। तो ये सेल में होस्ट का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यूज़ करेगा आरएनए बनाने के लिए, या जो फिर एमआरएनए बनेगा, मैसेंजर एमआरएनए बनाएगा। तो इस प्रोसेस को वैसे हमने यूजुअली देखा है कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन इस केस में रिवर्स हो जाता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है, तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो फिर ये एमआरएनए बनाएगा, लेकिन जो हम प्रूफ रीडिंग की बात कर रहे थे, म्यूटेशन रेट की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आरएनए केस में क्या होता है, यहाँ पे थायमिन नहीं होता, यहाँ पे यूरैसिल होता है। एडेनिन डीएनए में थायमिन के साथ बेस पेयरिंग कर जाता है, लेकिन यहाँ पे यूरैसिल होता है। साइटोसिन गानिन के साथ करता है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने एक एरर देखा होगा, यहाँ पे अगर हमें एक एरर मिल रहा है यहाँ पे, जैसे कि यूरैसिल गानिन के साथ कर रहा है, ये एक एबनॉर्मल बाइंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो है यूरैसिल एडेनिन के साथ करना चाहिए, लेकिन ये गानिन के साथ कर चुका है, ये एरर है यहाँ पे। और ये जो है ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है। तो होगा क्या आगे कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे चला जाएगा, ये एक्सटेंशन कर जाएगा, ये जो मिस्टेक है, ये जो म्यूटेशन है, ये इसको छोड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है नहीं होती है, इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो ये प्रूफ रीडिंग नहीं करेगा, ये म्यूटेशन को ऐसे ही छोड़ जाएगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि इसको एबनॉर्मल एक्सटेंशन हम कहेंगे। तो फिर म्यूटेशंस की रेट क्या है, एक सेल में कितनी जो है डाइवर्सिटी वायरस की मिल जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट मुश्किल है। तो अगर आप डीएनए की बात करेंगे तो वहाँ पे एक म्यूटेशन आ जाती है पर 10^7 to 10^9
नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज, जितने भी अगर इतने न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होंगे तो उस केस में एक म्यूटेशन आ जाती है। लेकिन आरएनए वायरस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक म्यूटेशन आ जाती है पर 1,000 to 1 लाख। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे म्यूटेशन कितना खतरनाक है। म्यूटेशन इसमें बहुत कम है क्योंकि ये प्रूफ रीडिंग करता है, और आरएनए को कहते ही ये किंग ऑफ एरर्स, ये बहुत ज़्यादा एरर लाता है और उनको फिर जो है रिपेयर भी नहीं करता, तो इतने ज़्यादा एरर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर अब हमारे पास एक सेल आ जाती है जिसमें वायरस है, तो अगर ये 1,000 to 1 लाख अगर इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी अगर वो उतनी भी जो है ज़्यादा होगी तो उसमें एक म्यूटेशन आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा? मतलब होगा कि अगर ये सेल जितने भी वायरस बनाएगा, अगर ये सेल 1,000 बनाती है तो इसका मतलब हुआ इस सेल ने 1,000 नए वायरल पार्टिकल्स बनाए, नए म्यूटेंट्स जिसको हम कहेंगे, क्योंकि एक जीनोम में एक म्यूटेशन। तो जब 1,000 वायरस बनेंगे तो मतलब उनके जीनों में, हर एक के जीनों में म्यूटेशन होगी। अभी ये जो जो मैंने यहाँ पे कहा, ये एक बस एक एग्जांपल था कि यूरेसिल को गानिन के साथ ऐसे कर जाता है म्यूटेशन, तो ऐसा नहीं है। म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, पॉइंट म्यूटेशन, सबस्टिट्यूशन म्यूटेशन, वो एक अलग हिस्ट्री है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कोरोना वायरस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, अब ज़रूरी नहीं कि यही हो। तो अगर 1,000 वायरल म्यूटेंट्स बनते हैं, वायरल पार्टिकल्स बनते हैं, तो उनमें म्यूटेशन होगी। तो हर एक वायरस को ट्रीट करने के लिए उसको उनको अलग अलग तरीके से देखना होगा। तो म्यूटेशन रेट की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है वायरस के ट्रीटमेंट में। तो जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर्स है, वो ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें वायरस को ट्रीट करना है तो यहीं पे इसी डॉगमा प्रोसेस में जो है कहीं पे हमें इसको रोक देना है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप इस आरएनए पॉलीमरेज को अटैक करोगे, इसको डिस्ट्रॉय करोगे, जैसे कि वायरस में होता है कि अगर उनका अपना वायर अपना उनका अपना एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम, तो उसको डिस्ट्रक्ट करके उनकी रिप्लिकेशन प्रोसेस को आप रोक सकते हो। लेकिन इस केस में क्या है, अगर आप आरएनए पॉलीमरेज को ही अटैक करोगे तो आपको पता है कि होस्ट क्या है, तो होस्ट की जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है वो भी रुक जाएंगी, उनकी जो आरएनए सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, वो भी रुक जाएंगी। डैट मीन्स शायद वायरस के मरने से पहले ही शायद होस्ट मर जाएगा, तो इसको तो आप अटैक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि हम इसी प्रोसेस में, इसी रिप्लिकेशन प्रोसेस में, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, इस डॉगमा प्रोसेस में यहीं पे कहीं पे वायरस को रोक सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि म्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसका अपना मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, होस्ट का मेटाबॉलिज्म यूज़ कर रहा है, एंजाइम्स जितने भी है होस्ट का यूज़ कर रहा है। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरस। चलिए अभी हम बात करते हैं कि अगर ट्रीटमेंट नहीं है इसका, कोई ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे हम कोरोना वायरस को एलिमिनेट करते हैं, जो पेशेंट होता है वो कैसे ठीक होता है, कि अगर उसको आइसोलेशन में रखा जाता है 14 डेज के लिए कहते हैं, या फिर वो 20 हो जाए, 25 हो जाए, कितना भी वो टाइम हो जाए, फिर तो उस टाइम में उसके पेशेंट में, उस पेशेंट की बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, हम कैसे इस वायरस के खिलाफ, हमारी सेल्स कैसे इस वायरस के खिलाफ फाइट करती है, तो इसको जानने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाया मैंने समझाने के लिए। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो गाइज पहली जो चीज़ है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है, मतलब कि गाइज डिफरेंट मैकेनिज्म्स है जिससे हमारी सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल के साथ डील करती है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, और कुछ मैकेनिज्म जो है मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है क्या एक्चुअली, ये जो टी सेल होती है हमारे पास, टी लिम्फोसाइट, ये टू टाइप्स ऑफ सेल्स रिलीज करती है, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स एंड CD8। और CD4 जो होती है वो हेल्पर टी सेल्स होती है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती है ये जो होती है ये, और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, और ये क्या करती है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के खिलाफ डील करती है। तो होता क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, इसलिए कि इन्फेक्शन के लिए ये सर्च करते रहते हैं। तो अगर अभी हमारे पास एक सेल है जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल है, तो ये न्यू नॉर्मल न्यूक्लियस होगा, ये वायरस होगा, तो इसमें हमने देखा था कि उस एक्लिप्स फेज में क्या होता है कि सेल जो है, ये जो वायरल पार्टिकल अंदर आ जाता है सेल के अंदर, उसमें क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन होती है, उसका कैप्सूल जो है
वो कैप्सोमर्स में डिसइंटीग्रेट होता है, एनिमल फोर्स के वायरल फैक्टर्स कैप्सोम जो स्पाइक्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाता है उसका। तो उस केस में क्या होता है कि MSC इसको सरफेस पे ले आ जाता है, किसको, वायरल पेप्टाइड को। और ये जो साइटोसॉक्सिक TCL है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी सरफेस पे जो है इसके सरफेस पे TCRs होते हैं जिनको हम कहते हैं TCL रिसेप्टर्स, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। आफ्टर डेट क्या होगा कि साइटोटॉक्सिक TCL ये साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स रिलीज करेगी और ये साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स फिर इसके साथ इस वायरल इन्फेक्टेड के साथ डील करेंगे। तो होता क्या है कि एक्चुअली इस सेल में जो ग्रैनुलेटर सेल होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, तो या वो और भी हमारे पास ग्रैनुलेटर सेल्स होती है जिनमें ग्रैन्यूल होता है। तो इस ग्रैन्यूल में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स होती है और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइक ग्रैन एंजाइम्स होते हैं, परफॉरिन होता है, तो ये भी इस वायरल इन्फेक्टेड सेल में मदद करती है। तो कैसे, तो इस बार हम परफॉरिन के केस में देखेंगे कि अगर परफॉरिन ग्रैन्यूल ग्रैन्यूल मतलब आफ्टर इंटरेक्शन ग्रैन्यूल्स परफॉरिन को रिलीज करेंगे तो ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये क्या करेगा, ये इस इन्फेक्टेड सेल में जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है ये इसको ब्रेक करेगा एट डिफरेंट पार्ट्स एट डिफरेंट पोजिशंस, ये इसको ब्रेक करेगा, करेगा क्या, पोर्स बनाएगा, मतलब कि होल्स जो छोटे छोटे हैं वो बनाएगा, होल्स बनाएगा। तो वो होल्स करेंगे क्या, वो होल्स किस लिए बनाता है ये, ताकि जो डिफरेंट फैक्टर्स अदर फैक्टर्स इसमें होते हैं साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स होते हैं वो जब रिलीज होंगे तो वो इन पोर्स से अंदर चले जाए, जब ये अंदर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद इस सेल को डिस्ट्रक्ट करेंगे और इस सेल को ने वायरल सेल। तो दूसरी जो चीज़ है, ग्रैन्यूल्स में ग्रैन एंजाइम्स भी होते हैं और ये ग्रैन एंजाइम्स फॉर एग्जांपल अगर कि हमारे पास ये ग्रैन एंजाइम्स है जो आफ्टर इंटरेक्शन सेल रिलीज करती है और अगर ये जो है अगर ये टारगेट सेल है ये ग्रैन एंजाइम्स जो है ये सेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आफ्टर इंटरेक्शन ये इस सेल के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ करेंगे, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसको हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं। तो गाइस अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये इम्यून सेल्स वायरल सेल्स को किल ही कर जाती है तो शायद बॉडी में जो सेल्स है वो शायद कम होती होंगी या शायद फैटिलिटी या बाकी चीज़ें आप सोचते होंगे। तो भाई गाइस इसमें होता क्या है कि कमज़ोरी आती होगी एक इंसान की बॉडी में, अदर देन जो हमारे पास बोन मैरो होता है स्टेम सेल्स होते हैं जहाँ पे हेमेटोपोसिस होती है सेल्स बनती है। तो देखो हमेशा इंसान की ज़िंदगी में सेल्स नहीं बनती रहती, या हमेशा जो है ब्लड सेल्स जो है वो हेमेटोपोसिस स्टॉप नहीं होती है, जब सेल की ज़रूरत होती है बॉडी को, ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है ह्यूमन बॉडी, जब इंसान की बॉडी को सेल्स चाहिए होती है तो हेमेटोपोसिस होती है बोन मैरो में जहाँ पे स्टेम सेल्स से डिफरेंट सेल्स बन जाती है जिसको हेमेटोपोसिस कहते हैं। तो अब इस केस में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, एक मज़े की चीज़ ये है, कुछ सेल्स जैसे वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, कुछ सेल्स है वो क्या करेंगे, वो इस MSC को बाहर ही नहीं आने देते सरफेस पे। मतलब कि अगर हमारे पास एक सेल है, अगर उसका फॉर एग्जांपल उसके नॉर्मल MSC मॉलिक्यूल्स उसकी जो सेल पे होने, फॉर एग्जांपल अगर वो 20 होंगे, 20 होने चाहिए फॉर एग्जांपल नॉर्मली, तो ये सेल जो है ये इनको बाहर ही नहीं आने दे, स्टॉप करेंगी, लेकिन ये सबको अब स्टॉप तो नहीं कर पाएगी, ये कुछ कुछ स्टॉप कर जाएगी। फॉर एग्जांपल इसने जो है 20 तो नॉर्मल था, इसने 10 को स्टॉप कर दीजिए, 10 MSC मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर गई सरफेस पे आने के लिए, तो अब 10 तो स्टॉप हो गए, अब कितने होंगे, अब और 10 ही होंगे। तो इस मैकेनिज्म को डील करने के लिए हमारी बॉडी में एक और किस्म का सेल्स होता है जिसको हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं या सिंपली NK सेल्स जो कहते हैं। ये सेल्स, इनका मैकेनिज्म एक अलग है, ये जब ब्लड स्ट्रीम में आती है, ये जब इन्फेक्शन के लिए सर्च करते हैं, अगर इन्होंने किसी सेल को देखा जिस पे MSC मॉलिक्यूल्स कम है देन द नॉर्मल नंबर, फॉर एग्जांपल 20 बोला था हमने नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे 10 ही है क्योंकि वायरस ने उनको रोक दिया बाहर आने से, तो ये अगर ऐसी किसी सेल को देखेगी जहाँ पे MSC मॉलिक्यूल्स कम है सरफेस पे, इसको लगता है कि इस सेल में कुछ गड़बड़ है, इस सेल में इन्फेक्शन है या कोई भी चीज़ है, ये फंक्शन वेल नहीं कर रही, तो शायद ये नियोप्लासिस करेगी जैसे ट्यूमर बन जाएगा या बाकी चीज़ें इन्फेक्शन करेगी या ऑटो इम्यून सिस्टम में ये प्रॉब्लम करेगी, तो ये सबसे पहले इस सेल को किल करता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इंटरफेरॉन्स की।
इंटरफेरॉन्स कैसे वायरल इन्फेक्ट सेल के खिलाफ एक्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेरॉन्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मतलब स्मॉल इन साइज होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे इन्फेक्टेड सेल रिलीज करते हैं होस्ट की। तो सबसे पहले बता दूं कि इंटरफेरॉन्स जो है ये वायरल रिप्लिकेशन वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी को रिकवर होने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरफेरॉन्स हमारी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा कम मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में रिलीज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती हमारी बॉडी में, तो इससे प्रॉब्लम है। लेकिन रिसेंट रिसर्च के हिसाब से पता चला है, रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि ये माइकोप्लाज्मा इनविट्रो ह्यूमन सेल्स में इन्फ्लुएंस करता है इस इंटरफेरॉन रिलीज को। तो शायद वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इन फ्यूचर, अगर वो माइकोप्लाज्मा हेल्प करता है इंटरफेरॉन्स को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने के लिए तो वो मदद बहुत ज़्यादा करेगा। तो फर्स्ट वे क्या हो सकती है कि ये जो इंटरफेरॉन है ये अपने ही वायरल जो इसके अंदर वायरस है उसको टारगेट करेगा बाई ट्राइंग टू स्टॉप द वायरल रिप्लिकेशन, ये उसकी वायरल रिप्लिकेशन को हिट करेगा। जैसे लास्ट टाइम भी मतलब प्रीवियस जो सेक्शन था हमारा वीडियो का उसमें हमने बोला था कि रिसर्चर्स भी कहते हैं कि अगर हमें ट्रीटमेंट करना है वायरस को तो हमें यही डॉगमा प्रोसेस पे ही कहीं पे अटैक करना होगा। तो इंटरफेरॉन्स भी वही करता है कि रिप्लिकेशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो पहला इसका ये वे है। दूसरा वे ये होता है कि ये एक्ट करता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी, राइट, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी एक्ट करता है, मतलब कि ये जो इन्फेक्टेड सेल है अगर इसके अराउंड ये भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं तो ये और ये इस साइड में अगर ये नॉर्मल सेल्स है तो ये क्या करता है कि ये इंटरफेरॉन रिलीज होता है इस सेल से और ये अपनी जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको कहता है कि आप अपने जो सरफेस पे एमएससी मॉलिक्यूल्स अब रिलीज कर दो क्योंकि वायरल इन्फेक्शन आ गया है, आप इन्फेक्ट हो गए हो तो आप जो है एमएससी मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस पे रिलीज कर दो और जो नॉर्मल सेल्स है इनको ये जो है इनको ये एक्टिवेट करता है, इनको ये वार्न करता है कि भाई वायरल थ्रेट है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका कि इनको वार्न करता है और इन सेल्स को बोलता है कि एमएससी मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर लो ताकि अगर जो इस एरिया में जैसे कि हमने बोला था पिछली बार कि टी सेल्स जो होते हैं वो एरिया में हर एरिया में जो है सर्वे करते हैं इन्फेक्शन के लिए, तो ये उनको एक्टिवेट करता है, इनको एक्टिवेट करता है थ्रेट है, इनको एक्टिवेट करता है एमएससी मॉलिक्यूल्स रिलीज करो ताकि जो इस एरिया में टी सेल्स होंगे या वो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स जो है जब वो इस एरिया में सर्वे करते करते पहुँचेंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे वायरल थ्रेट है। तो वो सिंपली जैसे कि बोला था पिछली बार ये सिंपली एमएससी को जो इन्होंने एमएससी अब रिलीज़ किए इन पे ये वायरल पेप्टाइड देखेगा और उसके बाद जो है ये वायरल को वायरल इन्फेक्टेड सेल को की जो है एपोप्टोसिस करेगा। तो गाइस जब हम आ चुके हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ताकि हम देख सकें कि इस डिजीज़ की जो है फैटिलिटी रेट जो है कितनी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कन्फर्म्ड केस इन्होंने नोट्स किए हैं यहाँ पे वो है 5,71,678 और जो इसकी डेथ्स हैं वो है 26,495। तो जो एरियाज है या टेरिटरीज है कंट्रीज है वो अफेक्टेड आई है 201। तो मतलब इसकी जो मरने की रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब फैटिलिटी रेट इसकी कम है, ये उतनी ज़्यादा जानलेवा बीमारी नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा इंसान मतलब परेशान हो जाता है जब ऐसी न्यूज़ आती है कि हमारे कश्मीर में, आपने शायद पता होगा आपको, बाहर से कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिनको चेकिंग के लिए बुलाया गया था और जो सस्पेक्ट्स थे एक्चुअली पीएचडी स्कॉलर्स थे वो भाग गए एयरपोर्ट से। मतलब कि हम कह रहे हैं कि प्यो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ये हमारा फ्यूचर है, तो वही जब इतने इरेस्पॉन्सिबल होंगे तो कैसे चलेगा। तो गाइस ऐसा है आई थिंक फिर दो चीज़ें हैं शायद, या तो लोग इतने डर गए हैं कि उनको लगता है कि अभी COVID-19 जो है ये हो गया तो बस अब 14 डेज में डेथ जो है वो पक्की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गैस, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आइसोलेशन में रह सकते हो, या जिसको भी ऐसा हो रहा है आइसोलेशन में रह सकता है कुछ दिन के लिए, 14 डेज हो 20 डेज या शायद फिर वो एक महीना भी हो, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, हम भी सेफ रहेंगे, उससे हमारी फैमिली भी सेफ रहेगी, हमारे पूरा एरिया जो है वो सेफ रहेगा।
आप खुद भी देख सकते हो कि जो वो मतलब पेशेंट्स थे कोरोना वायरस से अफेक्टेड, वो जब ठीक हो गए तो उन्होंने वीडियो बनाए हैं, वो खुद बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो आप खुद भी देख सकते हो उनको, ये जो बीमारी है ये इतनी ख़तरनाक नहीं है लाइक हमारे पास HIV एड्स है हमारे पास, या इबोला हो गया हमारे पास, या जैपनीज इंसेफेलाइटिस फीवर हो गया हमारे पास, या लेसा फीवर वायरस हो गया हमारे पास, रेबीज जैसी बीमारी है। तो ये उतनी मतलब ख़तरनाक बीमारी नहीं है। सिर्फ जो मैंने आपको बोला, आपने देखा कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको जो है टैकल कर पाता है, इसको काउंटर कर पाता है, इसको कंटेन कर पाता है। तो सिंपली क्या करना है कि हमें थ्रेट नहीं बनना औरों के लिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर हमने कोई गलत कदम उठाया ना, तो वो गलत कदम सिर्फ हमारे लिए गलत नहीं होगा, वो हमारे पूरे एरिया के लिए गलत साबित होगा, हमारे अपनों के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे नेबरिंग विलेज के लिए, जितने भी लोग हैं हमारे कांटेक्ट में उनके लिए ये बड़ा थ्रेट है। तो गाइस डरने की कोई बात नहीं है, इस वक्त हमें कोई डरने की बात नहीं है। जिस जो भी बाहर से आ रहा है खुद आइसोलेट हो जाओ, कोई बात नहीं, आप डॉक्टर्स के पास जाओ, टेस्ट करो, ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि बाकी वायरल बीमारियों की तरह जानलेवा नहीं है। तो आप खुद देख लो कि अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि 26,000 कुछ जो है डेथ्स थी हमारे पास। तो अब आप खुद सोचो कि उस नंबर में इतना जो काउंट है 26,000, अब इसमें देख लो कि अब कितने लोग ऐसे होंगे जिनका इम्यून सिस्टम वीक हुआ होगा, अब कितने लोग ऐसे होंगे जो HIV पेशेंट्स होंगे, जो कैंसर पेशेंट्स होंगे, जो हार्ट पेशेंट्स होंगे, जिनकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन रही होगी। तो गाइज अगर कोई ऐसी कोई बात है, अगर किसी को कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज कोई पेशेंट है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है। बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद मरना और जीना वो अल्लाह के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन गाइज डरने की बात नहीं है, आप पूरा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।